नमस्कार, विवार्ता में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा इन दिनों सुर्खियों में है। विवार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, मोदी के इजराइल दौरे से देश को क्या हासिल हुआ? निश्चित तौर पर ये एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा थी, और अगर हम एक पंक्ति में कहना चाहते हैं कि देश को क्या हासिल हुआ, तो देश को एक नए तरह का रणनीतिक और राजनयिक महत्व हासिल हुआ है दुनिया के मंच पर। हम जिस तरीके से चीन पाकिस्तान से घिरे हुए हैं और चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से प्रचारित आतंकवाद से परेशान हैं, तो उसमें कोई देश यदि हमारी मदद कर सकता है इस लड़ाई में, तो वह है इसराइल। देखिए, इस यात्रा के कई गूढ़ संदर्भ भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1947 में हमारी आजादी के बाद से आज तक हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री इसराइल की सरजमीन पर नहीं गया था। 25 वर्षों से हमारे राजनयिक संबंध कायम हुए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने भी इसराइल भारत की दोस्ती की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया था, और उसको आज याद किया जाना चाहिए। लेकिन कोई प्रधानमंत्री उनकी धरती पर नहीं गया, इसके बावजूद ऐसा नहीं था कि हमारे कोई संबंध ही नहीं थे। एक तो हमारे पिछले 25 सालों से राजनयिक संबंध थे, दूसरा विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और हथियारों के क्षेत्र में हमारे इसराइल के साथ बहुत दोस्ताना संबंध रहे हैं। यहां तक कि कारगिल के युद्ध में बोफोर्स तोपों के लिए जो गोला बारूद था वो इसराइल के मार्फत ही हम तक आया था। तो एक तरीके से इसराइल हमारा कोई नया दोस्त नहीं है, पुराना दोस्त है। लेकिन एक फिलिस्तीन को जो हम तक हमारा जिस तरह का समर्थन रहा है हमारी नीतियों के कारण, उसकी वजह से हमारे सांकेतिक रूप से कोई प्रधानमंत्री उनकी धरती पर नहीं गए। इसके बावजूद पिछले 25 सालों में जो लगातार राजनयिक संबंध रहे, जो दोस्ताना रहा, उसको परवान चढ़ाने की ये बेला थी। दो ऐसे मुल्क जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनकी ये यारी दुनिया ने बहुत करीब से देखी। एक बड़ी बात यह है जिसकी चर्चा आप पाकिस्तान के और दूसरे मीडिया में भी हो रही है, यहां तक कि चीन के मीडिया में भी हो रही है, कि क्या यह अमेरिका की, इजराइल की और भारत की त्रयी बन रही है चीन, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के आतंकवाद के खिलाफ। तो ये विश्व के ऐसे समीकरण है जिनको सब गौर से देख रहे थे। भारत को यह हासिल हुआ है कि विश्व मंच पर विश्व कूटनीति की दृष्टि से हम मजबूत राष्ट्र बनकर उभरे हैं, जो अपने राष्ट्र के हित की चिंता पहले करता है, और उसकी खातिर यदि कुछ और साहसिक कदम उठाने पड़े तो वो उठाता है। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो इस दौरे को लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा घबराहट है। इसलिए है कि इसराइल ने जिस सख्ती के साथ अपने पड़ोसी मुल्कों से होने वाले खतरे को निपटा है, वो सभी ने देखा है। आप देखिए कि दोनों ही मुल्कों का इतिहास लगभग साथ साथ चला है। इसराइल वो मुल्क है जिसकी स्थापना 1948 में हुई। हिंदुस्तान वो मुल्क है जो 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि को आजाद हुआ, अंग्रेजों की गुलामी, अंग्रेजों के हम गुलाम थे, और जो जिस धरती पर अभी इसराइल कायम है वो भी ब्रिटिश हुकूमत थी, वहां पर भी ब्रिटेन का ही उपनिवेश था। ब्रिटेन जब वहां से गया, तब उन्होंने विवादित जमीन, जैसे कि यहाँ भारत पाकिस्तान और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बनाकर वो चले गए, और उस त्रासदी को हम आज तक भुगत रहे हैं, वही की वही रणनीति फूट डालो और शासन करो की जमीन पर रेखाएं खींचने की ब्रिटेन ने वहां पर भी अपनाई थी। लेकिन ये इन इजरायलियों का, इन यहूदियों का साहस था कि उन्होंने उसको अपने तरीके से निपटा। उन्होंने पूरी जमीन न केवल खाली की, अपने कब्जे में ली, और वो तो एक बहुत जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जिसके लिए संघर्ष करते हुए वो पिछले 70 सालों में यहां तक पहुंचे हैं। तो दोनों का इतिहास साथ साथ चला है। इसराइल आज भी एक बहुत छोटा मुल्क है, यहूदियों की आबादी बहुत ज्यादा नहीं है। किसी जमाने में वो 1.5-2 करोड़ से ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन जो यात्राएं नाजी शासन काल में उनमें से ही, उसमें 60 लाख से अधिक यहूदियों को मार दिया गया। इतना बड़ा नरसंहार, इतना बड़ा कत्लेआम पूरी मनुष्य इतिहास में कहीं हमको देखने को नहीं मिलता। और उससे निकलकर यदि कोई कौम आई है, और उससे निकलकर वो कौम यहां तक पहुंची है कि आज 125 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश उस 80-90 लाख की आबादी वाले राष्ट्र के साथ समझौते कर रहा है, और उनसे विज्ञान और तकनीक हासिल कर रहा है, तो उनकी जो ताकत है वो स्थापित है। और पाकिस्तान की जो बौखलाहट की आपने बात की वो निश्चित, पर इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने राष्ट्र के स्वाभिमान के स्तर पर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम स्वतः इतने मजबूत हों, इतने सक्षम हों कि हमारे राष्ट्र की ओर लोग उसी तरीके से देखें और ये समझें कि इस राष्ट्र के स्वाभिमान के खिलाफ कोई बात नहीं की जा सकती। यदि कि भारत में ही एक तबका ऐसा है जो इस यात्रा का खुलकर विरोध कर रहा है। देखिए, ये इस तरह के लोग हमेशा इस देश में रहेंगे जो लगातार असहिष्णुता की और पुरस्कार वापसी की बातें करते हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को विश्व राजनीति की समझ नहीं है। विश्व राजनीति को इनको गहराई से, जिस वक्त हमें विश्व राजनीति के मंच पर फिलिस्तीन को समर्थन करने की जरूरत थी, हमने की, और उसमें एक बड़ा कारण हमारी रूस से दोस्ती भी रही, ये लोगों को समझना चाहिए। और अमेरिका और इसराइल के जो मजबूत संबंध थे, और चूंकि हम रूस के करीब थे तो उस वक्त के विश्व समीकरण वैसे थे। अब जो एक ध्रुवीय विश्व है जिसमें कोई दूसरा ध्रुव नहीं है, और दूसरे ध्रुव पर अगर कोई उभर रहा है तेजी से, तो चीन उभर रहा है जो कि आपका दोस्त नहीं है। एक जो दूसरा मजबूत ध्रुव था सोवियत संघ, वो खत्म हो चुका है।
एकमात्र ध्रुव जो बचा है अमेरिका, और बड़े मुश्किल से हम पिछले 8-10-15 सालों में अमेरिका के करीब आ पाए, क्योंकि हम ऐतिहासिक रूप से रूस के करीब थे, और रूस का ध्रुव खत्म होने के बाद अगर नया ध्रुव कोई उभर रहा है तो वो चीन है, तो क्या हम चीन के साथ खड़े हो पाएंगे? नहीं खड़े हो पाएंगे। तो हमें किस ध्रुव के साथ खड़े रहना? हमें निश्चित तौर पर अमेरिका और उसके साथ वाली शक्तियों के साथ इसलिए भी रहना पड़ेगा क्योंकि चीन और पाकिस्तान मिलकर हमारे लिए कितना बड़ा सिरदर्द पैदा कर सकते हैं, ये हम खुद जानते हैं। तो जिन लोगों ने इस दौरे का विरोध किया है वो आज भी इसमें अटके हुए कि इसराइल एक ऐसा देश है जो फिलिस्तीनियों को मारता है और फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार का शोषण किया है और ये फिलिस्तीन से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी उसी तरह के मानवाधिकार के मसलों के शिकार हैं। तो आपको तो ये तय करना पड़ेगा कि किस वक्त आपका राष्ट्रहित ज्यादा बड़ा हो जाता है इन छोटे मुद्दों के मुकाबले। इस वक्त हमारे राष्ट्र के लिए जरूरी था कि इजराइल के साथ हम दोस्ती का इस तरह का हाथ बढ़ाएं जिससे दुनिया देखे और दुनिया को एक संदेश मिले। वो संदेश हमने दिया है। जिन लोगों ने चीख पुकार मचाई है वो आज भी अतीत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि किसी भी विचारधारा या संप्रदाय से पहले देशहित होना चाहिए? निश्चित तौर पर मुझे भी लगता है कि ये संप्रदायों की या धर्मों की लड़ाई है ही नहीं, ये शक्ति और संपन्नता की लड़ाई है, अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की लड़ाई है। अमेरिका ने अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की खातिर जो संभवता वो किया, उसने अफगानिस्तान को पूरा का पूरा बमों से पाट दिया और निस्तनभूत कर दिया, उसने अपने खिलाफ हमला करने वाले ओसामा बिन लादेन को 10 साल बाद भी ढूंढ निकाला और पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर उसको खत्म कर दिया, उसने इराक को पूरा का पूरा जमींदोज कर दिया, जब मर्जी आई इन्होंने पश्चिम के राष्ट्रों ने जाकर लीबिया को खत्म कर दिया, तब ये सारे मानवाधिकार की बात करने वाले लोग और ये तब सारे राष्ट्रों की संप्रभुता की बात करने वाले और दुनिया की बात करने वाले लोग कहां चले जाते हैं? हर राष्ट्र अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा होता है और अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है। हम क्या केवल गिरियाते रहे और अपने मुल्क को कमजोर बनाते रहे? हमें अगर अपने मुल्क को मजबूत बनाना है तो उसके लिए जो कदम उठाए वो उठाने जाने चाहिए। मुझे लगता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा इसराइल की बहुत पहले हो जानी चाहिए। वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वो उनका हक है, उनको लड़ने दीजिए। हम फिलिस्तीन और इसराइल के मसले में नहीं पड़े। आज भी हम इसराइल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि फिलिस्तीन से हमने दुश्मनी मोल ले ली है। फिलिस्तीन के अपने जो हक है वो उसके लिए वो लड़ते रहे और दोनों जिस तरह का राजनीतिक और सत्ता संघर्ष बनाए हुए हैं वो आगे जाकर अगर किसी समझौते तक पहुंचता है तो ये अच्छी बात है। बात आज ये नहीं हो रही कि गजा पट्टी पर किसका अधिकार है, बात ये नहीं हो रही कि गोलन दर्रा किसका है, बात ये नहीं हो रही कि वेस्ट बैंक किसका है, बात ये हो रही थी कि इसराइल अगर एक शक्ति संपन्न राष्ट्र है और उसकी और भारत की दोस्ती से दोनों को फायदा होता है तो उस फायदे की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मोदी के इसराइल दौरे से भाजपा और मोदी को राजनीतिक फायदा भी होगा। देखिए, अब हर यात्रा के पीछे हम राजनीतिक मकसद ढूंढने लगेंगे तो निश्चित ही फिर ये तो एक अलग दिशा में बहस चली जाएगी। जब उन्होंने अमेरिका की यात्रा की तब भी कहा कि ये वोट की खातिर हो रहा है, जब वो जापान गए तब भी कहा, अब ऐसे हर चीज को वोट से जोड़ेंगे। पर देश के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के प्रमुख के रूप में जो जिम्मेदारियां उनको निभानी, और अगर इससे राजनीतिक लाभ मिलता है तो जो लोग कांग्रेस के प्रधानमंत्री जब जाते थे, मनमोहन सिंह जाते थे, तो क्या उनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलता था? या अगर वो उस राजनीतिक लाभ को उठाने में चूक गए तो गलती किसकी है? मुझे लगता है कि इसने निश्चित तौर पर एक अलग तरह के जो राष्ट्रवादी भावना है उसको जन्म दिया है और उसमें भी हमें थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि वो हमें अति राष्ट्रवाद तक जाने की बजाय एक ऐसे राष्ट्रवाद की आवश्यकता है जो हमारे राष्ट्र की नीतियों को, हमारे राष्ट्र के जो सार्वभौमिक मूल्य है उनको कायम रखे। इसराइल एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें जो उनके प्रधानमंत्री थे एशकोल, उसको तक उन्होंने दरकिनार कर दिया था क्योंकि उस वक्त उनमें जिद थी कि हम मिस्र के साथ, जॉर्डन के साथ, इन सबके साथ लड़ाई लड़के इन मुल्कों को सबक सिखा देंगे ताकि अरब देश कभी हमारी तरफ आंख नहीं उठा सके। हमारा उल्टा है कि हम इंतजार करें कि वो हम पे आक्रमण करें। तो 62 में आक्रमण हुआ, 65 में आक्रमण हुआ, उधर 47-48 के बाद जब कश्मीर पर हमारे आक्रमण हुआ, आज भी हम पाक अधिकृत कश्मीर जो कि हमारा है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब करगिल भी हुआ तो हम पर थोपा गया। हम तो कभी भी अपनी तरफ से अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ने वाले मुल्क के रूप में जाने ही नहीं गए। वहीं भी इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसने कोशिश की कि भाई इससे पहले कोई हमें चुनौती दे हम उसको सबक सिखा दे और बता दे कि भाई हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देखना, इसमें क्या गलत है? आप देखें कि जो यहूदी दुनिया भर में पिट रहे थे, जिनकी दुनिया भर में धुलाई हो रही थी, जिनके खिलाफ इतने क्रूर नरसंहार हुए, आप एन फ्रैंक की डायरी पढ़ लीजिए या तमाम और दूसरी भी किताबें फिल्में जो बताती हैं कि किस तरह के अत्याचार उस जमाने में नाजीवाद के दौर में यहूदियों ने सहे हैं, और उन बर्बर अत्याचारों को सहने के बाद एक कौम ने सोचा कि भाई अब हम क्या करें। तो उन्होंने सोचा कि जो यरूशलम की जमीन है जहां से हम नाता रखते हैं हम उस पर जाकर बस जाते हैं, जब वो वहां गए तो उन्हें पता लगा वहां पहले से कोई और बसा हुआ है। उन्होंने तो ये सारे जो संघर्ष हैं ये इतिहास में दर्ज है और इन संघर्षों के लिए कोई भी सही गलत का पक्ष नहीं ले सकता। किसी ने सोचा कि ये मेरी जमीन है और वो चला। आप इस तरीके से देखिए तो कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया, अब वहां पर कोई और बस गया और कश्मीरी पंडित वहां जाते हैं तो वो सही होगा या गलत होगा? उस बारे में आप क्यों नहीं बोलते? आपको फिलिस्तीन का हक दिखाई देता है और जो यहूदी वहां से भगा दिए गए उनका हक क्यों नहीं? तो ये ऐसी बहसें हैं जिनसे गुजरकर हम कहीं एक मुकम्मल निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएंगे। दरअसल ये पूरी जो दुनिया है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस के रिवाज पर चलती आई है और हिंदुस्तान ने तमाम शक्ति
सामर्थ्य होने के बावजूद भी सहिष्णुता की नीति अपनाई और अपनी लाठी को इस्तेमाल करना तो दूर, बजाया भी नहीं ढंग से, तो कम से कम आपकी रक्षा के लिए आप लाठी बजा तो सकते, अगर किसी में उठाए नहीं तब तो। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।